अब होंगे अखिलेश मायाजाल से मुक्त। संकट में सपा बसपा गठबंधन, 11 सीटों पर अकेले उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। सियासत की शतरंज की बिसात पर संबंधों की बुनियाद नफा नुकसान के आधार पर तय होती है। कोई भी सियासी रिश्ता तब तक बरकरार रहता है जब तक उससे लाभ की कोई ना कोई उम्मीद हो, और जैसे ही नुकसान की संभावना बढ़ती है सियासी रिश्तों के रास्ते अलग हो जाते हैं। यूपी की सियासत में दो प्रमुख पार्टियां बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ही ख्वाहिशों से, बड़े ही जज्बातों के साथ एक साथ एक मंच पर आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम मनमाफिक नहीं होने पर सारे सपने ध्वस्त हो गए और दूरियां बढ़ने लगी। जी हां, बात कर रहे हैं सपा बसपा गठबंधन की। सियासी गलियारों में ये अटकलें जोरों पर हैं कि बसपा की बैठक में मायावती ने सपा बसपा गठबंधन टूटने के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मायावती ने दिल्ली में हुई बैठक में कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से कोई खास फायदा नहीं हुआ है। खबर तो ये भी है कि मायावती को लगता है कि समाजवादी पार्टी को यादवों तक के वोट नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अगर सपा को यादवों के वोट मिलते तो यादव परिवार के लोग चुनाव नहीं हारते। मायावती को यहाँ तक लगता है कि नाराज सपाइयों ने गठबंधन के खिलाफ काम किया है, शायद इसलिए उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि अब 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में बसपा सांसदों और जिलाध्यक्षों से साफ कहा कि पार्टी आने वाले सभी विधानसभा उपचुनावों में अकेले चुनाव लड़ेगी और अब 50% वोट का लक्ष्य लेकर राजनीति की रणनीति बनाएगी। हालांकि इस बैठक में गठबंधन को तोड़ने पर आधारित पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन परिणामों ने गठबंधन दलों को बेहद निराश किया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में गठबंधन को संयुक्त रूप से मात्र 15 सीटों पर जीत मिली, जबकि बसपा को अकेले 10 सीटों पर सफलता मिली। उम्मीद की जा रही थी कि गठबंधन यूपी में भाजपा को तगड़ी चुनौती देगा, लेकिन ऐसा हो ना सका और बीजेपी ने यूपी में 62 सीटों पर जीत दर्ज की। अब देखना यह होगा कि सूत्रों के हवाले से यह खबर सच निकलती है तो अखिलेश का अगला कदम क्या होगा।